नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जो अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों। और सभी के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है दोस्तों। अब आप अपनी तैयारी में लग जाओ दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू में हम बात करते हैं किस विषय में कितनी पोस्ट है, उसके बाद में हम बात करेंगे फॉर्म कितने भरेंगे। और इस बार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकंड ग्रेड भर्ती की प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है दोस्तों, उसको मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं किस विषय में कितनी पोस्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी, अंग्रेजी में कुल पद है 1668 पद है दोस्तों। उसमें सामान्य क्षेत्र में 1509 है और 151 TSP में है और शहरिया में 8 है दोस्तों। हिंदी में कुल 1298 पद है दोस्तों, सामान्य 1173, TSP 121, शहरिया 4 दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं गणित की, तो गणित में 1613 पद है दोस्तों, सामान्य 1356 और TSP 244 और शहरिया 13। संस्कृत में कुल पद, सबसे अधिक पद संस्कृत में है, 1800 पद है दोस्तों, 1510 सामान्य, TSP 281, 9 शहरिया। विज्ञान में भी बहुत ही बड़ी भर्ती है, पहले आज दिन तक इतनी पद नहीं आए हैं विज्ञान और गणित में, इस बार काफ़ी ज़्यादा पद है दोस्तों, 1565 पद है, TSP में 172, नॉन TSP 385, शहरिया 8 दोस्तों। ऐसे सामाजिक विज्ञान में 1640 पद है, उसमें सामान्य में 1300 है, TSP में 332 है और शहरिया में 8 दोस्तों। पंजाबी में 70 पद है सामान्य क्षेत्र में सभी, उर्दू में 106 पद है सामान्य में, 94 है, TSP में 12 है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं योग्यता की, तो दोस्तों जो अभ्यर्थी इस साल BEd सेकेंड ईयर में है वो भी इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि जब भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो, अर्थात प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व आपके पास में BEd की डिग्री होना अनिवार्य है, अर्थात आपका रिजल्ट सेकेंड ईयर का आ जाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद इसका पे ग्रेड दोस्तों 4200 है, लेवल 11 है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, दोस्तों चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। परीक्षा का माह और स्थान अभी नहीं आया है, आ जाएगा। और दोस्तों जो आवेदन अवधि है फॉर्म भरने की वो 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक है दोस्तों। और आप SSO पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दोस्तों। और दोस्तों आप अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको ₹500 अतिरिक्त चार्ज देना होगा। अब दोस्तों देखिए, आपके एग्ज़ाम में कुल अंक 500 होंगे, अर्थात 200 अंक का आपके फर्स्ट पेपर होगा और 300 अंक का आपके सेकंड पेपर होगा। जो फर्स्ट पेपर है वो 2 घंटे का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्टोरिकल कल्चरल और जनरल नॉलेज राजस्थान, करंट अफेयर राजस्थान और जनरल नॉलेज इंडिया और वर्ल्ड, और एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात जो साइकोलॉजी है वो आएगी हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके बाद नेगेटिव अंक है आपके 1/3, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव इस प्रकार किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में पास होने के लिए 40% आपको नंबर लाने पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये दोस्तों, 40% नंबर आपको फर्स्ट पेपर में भी लाने पड़ेंगे और सेकेंड में भी आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे। और SC ST है उनके लिए इसमें 5% छूट है, अर्थात जिसके 35% है वो इसमें क्वालिफाई होगा दोस्तों। यदि आपके इससे कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, ये नियम इसी बार से लागू हुआ है, सभी के लिए 40% और SC ST के लिए 5% की छूट, 35% परीक्षा में अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों आपके 40% के हिसाब से फर्स्ट पेपर में आपके 80 अंक आने चाहिए और दूसरे पेपर में आपके 120 अंक आने चाहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सेकंड पेपर 300 अंक का होगा, 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और आपको 40% इसमें अनिवार्य अंक लाने हैं, SC ST के 35% लाने हैं दोस्तों। इसमें आपके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और स्नातक का भी आपके इसमें लेवल रहेगा और टीचिंग मेथड इसमें आपके रहेगी सेकेंड पेपर में दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो दोस्तों सामान्य, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹350 हैं, EWS के लिए ₹250 हैं, SC ST जिनकी आय 2.50 लाख से कम है
उनकी 150 है और टीएसपी के लिए भी 150 है दोस्तों। तो दोस्तों ई मित्र पर आप जाकर 11 तारीख के बाद जल्दी से फॉर्म भर दें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए दोस्तों। और दोस्तों मैं अगला वीडियो साइंस विज्ञान के सिलेबस का लेकर आऊँगा बिल्कुल हिंदी में, आपको टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक आपके लगते हैं वो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सेकेंड ग्रेड की जो केमिस्ट्री है वो आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।